कोविड-19 प्रसार की रोकथाम के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए उपयुक्त बरमूला डॉक्टर जी एन ईटू ने आज तंगमार क्षेत्र में स्थापित विभिन्न संगरोध केंद्रों का निरीक्षण किया, ताकि वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जा सके। इस अवसर पर डीसी ने ऐसी गतिविधियों की गहन समीक्षा की, जिसमें उन्होंने संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने पर जोर दिया व इस संबंध में उपलब्ध संसाधनों को जुटाने का निर्देश भी दिया। प्रशासन द्वारा की गई विभिन्न पहलुओं को सूचीबद्ध करते हुए डीसी ने कहा कि विभिन्न चिकित्सा टीमों का गठन किया गया है, जो सभी घोषित लाल क्षेत्रों में अपने दरवाजे पर सभी संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने एकत्र करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंध में प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। इसके अलावा लोगों से इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सहयोग करने की अपील कर रहा है। बाद में डीसी ने आगामी पवित्र रामधन के मद्देनजर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कोविड-19 नियंत्रण कक्ष तंगमार्ग में संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर इस विषय पर एक व्यापक चर्चा हुई, जिसमें डीसी ने सभी संबंधित स्वास्थ्य सलाहकारों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से घोषित लाल क्षेत्रों में सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इससे पहले डीसी ने मौजूदा हालात के मद्देनजर ओल्ड टाउन बारामूला में विभिन्न सब्जी बिक्री आउटलेट का निरीक्षण किया। डीसी ने उन्हें सभी स्वास्थ्य परामर्शों को लागू करने का निर्देश भी दिया। विशेष रूप से अपने आउटलेट पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि गुणात्मक वस्तुओं को उचित दरों पर बेचा जाता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुन चुन के हमने लाए उसके डायमेंशन क्या है राफी वो दिन भर परेशान रहेंगे वो भी नहीं होना चाहिए आज हमने यहाँ पे पूरा रिव्यू कर लिया है, क्योंकि अभी तक यहाँ के जो सैंपलिंग के लिए जो है मेडिकल कॉलेज बारामूला आना पड़ता था, लेकिन अब हमने ये फैसला किया कि हम सैंपलिंग अब इधर ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास 350 लोगों की लिस्ट है जो सस्पेक्टेड केसेस हैं और इनमें से मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जिन लोगों को सैंपलिंग करनी होगी उनका सैंपल इधर ही लिया जाएगा और हमारी मेडिकल टीमें जो है वो घर घर जाकर के सर्वे कर रही हैं।